वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ आप देख रहे हैं यामाहा की ऑल न्यू एरॉक्स 155। जी हाँ, इसमें R15 का इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग के साथ ये मिलती है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिल जाता है और इंजन 155cc का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व SOHC सेटअप के साथ आपको मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है और उसके साथ ही पीछे भी आपको इसमें RLP प्लेट मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। आपके लिए लेकर आ चुका हूं बिल्कुल नया कलर, जो कि आपको सिल्वर कलर, ब्लैक कलर और गोल्डन कलर के साथ आपको मिलता है। ट्रिपल टोन स्कीम के साथ बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल देखने में लग रही है। मेरा पर्सनल कलर जो है चॉइस ये वाले कलर की है कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। स्कूटर का साइज जो है वो काफी बड़ा है, मैसिव है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 145mm का मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है इंडियन रोड्स के हिसाब से। प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आप ज्यादा हैवी पिलियन के साथ जा रहे हैं तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसके फीचर स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, इसको इंडियन रोड्स पर लेकर चलते हैं और जल्दी से चलाकर चेकआउट करते हैं कि आपको ये चलने में कैसी फील होने वाली है, कंफर्ट कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और उसके फीचर स्पेसिफिकेशंस तो कम, राइड क्वालिटी ओवरऑल इसकी कैसी है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। और भोपाल में अगर आपको यामाहा की किसी भी व्हीकल के टेस्ट ड्राइव चाहिए हो तो आप सुबह का यामाहा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप बोलिए एसआर मोटर वर्ल्ड की वीडियो देखकर आए, हमें डिस्काउंट चाहिए, तो आपको वहां पर बेटर डील्स और अच्छे डिस्काउंट्स मिल पाएंगे। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि बैठना कैसे है, क्योंकि यहां पर तो एक हम्प सा दिया हुआ है और यहां पर फ्यूल टैंक आपको इसका मिल जाता है। तो बैठने के लिए आपको पैर ऊपर करके ही इसमें ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे कि आप एक बाइक में बैठते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए कि एक बाइक ही है। 790mm की इसकी सीट हाइट मिल जाती है, जो कि मेरे लिए इजी है, फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। मेरी हाइट 5'8" 5'9" के आसपास है, तो अगर आपकी हाइट इतनी है या आप शॉर्ट राइडर भी हैं तो थोड़ा सा आगे खिसक के भी आप इसको जो है हैंडल कर सकते हैं, पैर आपके आसानी से पहुंच जाएंगे। टॉलर राइडर्स के लिए थोड़ा सा एक इशू हो सकता है, बिकॉज अगर टॉल हैं आप और थोड़ा सा आगे खिसक के बैठे हैं तो आपकी जो नीज़ है ना वो इससे टच होंगी, जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। हाँ, अगर आप पीछे के सक के बैठ जाएंगे आराम से, जैसे कि बैठा जाता है इसमें, सिंगल आप सोलो चला रहे हैं तब आपकी नीज जो है वो इसमें टच नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ मुझे फील हुई कि यार इसमें जो फ्लोर बोर्ड है ये बहुत छोटा सा है, तो जैसे कि बर्गमैन में आप देखते हैं आगे पैर फैलाने की हमें जगह मिल जाती है, इसमें पैर फैलाने की जगह नहीं मिलती, थोड़ा सा क्रैम्प्ड सा, बहुत कंजेस्टेड सी जगह मिलती है ये पैर रखने के लिए, जो कि कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल सकती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। ऑन कर लेते हैं इसको, इग्निशन ऑन कर लेते हैं, हजार्ड लाइट ऑफ कर देते हैं और इसके साथ ही इसको भी ऑफ कर देते हैं और अब इसको चलते हैं राइड करके चेकआउट करते हैं कि आखिर ये कैसी है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और ध्यान से सुनिएगा कि सेल्फ स्टार्टर की आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। कोई आवाज़ नहीं है सेल्फ स्टार्टर की, बिकॉज इसमें साइलेंट स्टार्टर आपको सिस्टम मिल जाता है। तो अब उसमें गियर मशीन की वो जो आवाज़ आती थी ना जो वाली, वो आवाज़ अब इसमें नहीं आती है। ओके, टैकोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, दोनों तरफ इसका टैकोमीटर है, देखिए आप बहुत अच्छे से टैकोमीटर मिल जाता है। चलिए अब इसको राइड करके देखते हैं और वाइज़र को डाउन कर लेते हैं, आराम से बिल्कुल बैठ जाते हैं। पीछे में बैग हैंग करा हुआ हूँ, चलिए रोड पर आ जाते हैं पहले तो। ओके, इनिशियल परफॉर्मेंस, इनिशियल पिकअप जो है वो गाड़ी का काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है वो स्कूटर का काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें फ्लैट स्पॉट्स नहीं है। आप देखिए, थ्रॉटल में दे रहा हूँ और स्कूटर जो है वो इंस्टेंटली पुल कर रही है, कोई फ्लैट स्पॉट नहीं है। जैसे कि जनरली क्या होता है स्कूटर्स में, पिकअप बहुत अच्छा आ गया, व्हील स्पिन दे दिया और उसके बाद एकदम से इंजन के रेव्स डाउन होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इंजन पिकअप नहीं पकड़ रहा है। एक थोड़ा सा एक सर्टन RPM पर ऐसा फील होता है कुछ स्कूटर्स में और उसके बाद धीरे 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 ग्रेजुअली वो पिकअप करती हैं। इसमें कोई भी फ्लैट स्पॉट नहीं है, आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि इंजन पावर बनाकर नहीं दे रहा है। आप जैसे ही फुल देंगे इंजन, आपको कहीं फ्लैट स्पॉट फील नहीं होगा और इंजन पूरी जान लगा देगा आपको अच्छा थ्रस्ट ऑफर करने में, अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देने में। इंजन आपको लिक्विड कूल्ड मिल जाता है, 4 वाल्व SOHC सेटअप के साथ आपको मिल जाता है और उसके साथ ही ये इंजन मैक्स पावर 15 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 13.9 Nm का। राइट, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इंजन का वो काफी अच्छा मिल रहा है। लीनियर पावर डिलीवरी है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट आपको महसूस नहीं होगा। ओके, टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शॉर्ट है, तो आप इसको टाइट टर्न्स में आराम से यू टर्न ले सकते हैं। तो अगर आप फुल थ्रॉटल भी देते हैं तो VVA किक इन हो रहा है, देखिए यहाँ पर VVA लिखा हुआ आएगा, ये VVA किक इन हो गया अराउंड 6000 RPM के बाद से। R15 में 7400 RPM के आसपास किक इन होता है VVA और इसमें 6000 पे होता है। तो VVA होने से क्या होता है कि कैमशाफ्ट स्विच हो जाती है, कैम स्विच हो जाती है और उस वजह से आपको बेटर टॉप एंड परफॉर्मेंस भी मिलता है। तो स्कूटर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे मालूम है क्या लग रही है, एक बेहतरीन सी चीज़ वो ये कि इसका इंजन बेहद स्मूथ है, बेहद स्मूथ इंजन मिलता है, कोई खास वाइब्रेशंस नहीं है। अगर आप इनफैक्ट हायर RPMs पर भी इसको लेकर जा रहे हैं, जैसे कि देखिए 6000-7000 RPM तक भी चला रहे हैं, तो उसमें कोई वाइब्रेशंस आपको महसूस नहीं होंगे। ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी है स्कूटर की कि 155cc का इंजन है, कोई रफनेस नहीं है इंजन में, बेहद स्मूथ चल रहा है। तो अगर आपको स्मूथ राइड क्वालिटी पसंद है, वो आपको जापानीज टेक्नोलॉजी का मजा लेना है, स्मूथ राइड क्वालिटी में ओवरऑल एंजॉय करना है, तो ये स्कूटर जो है वो आपको परेशान नहीं करेगी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको बहुत मजा आएगा इसको चलाने में, क्योंकि स्मूथ राइड क्वालिटी आपको ओवरऑल मिल जाती है।
इंजन से एक हल्का सा कंबशन नॉइज आती है, लेकिन इंजन की नॉइज काफी कम करके रखी है कंपनी वालों ने। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे एक्सेस या बर्गमैन की, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा नॉइज आती है, लेकिन इसमें कंपनी ने बहुत अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम जो भी डिजाइनिंग करी है वो बहुत अच्छी करी है, क्योंकि जो साउंड है इंजन का वो बहुत ही मिनिमाइज आ रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। फ्लोर बोर्ड पर एक बहुत माइन्यूट सी बजीनेस है जो कि बिल्कुल जायज है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज आगे की तरफ इंजन का हेड रहता है और प्लास्टिक पैनल्स भी इधर रहते हैं। अभी हम होंगे अराउंड 70-80 की स्पीड में, और अभी भी अगर आप इतनी स्पीड में भी चला रहे हैं तो स्कूटर में आपको कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगे, और ऐसा नहीं लगेगा इंजन पर स्ट्रेस पड़ रहा है। जैसे कि दूसरी स्कूटर्स होती हैं, उन्हें कभी आप हाईवे पर लेकर जाते हैं तो आप उन्हें 50-60 से ऊपर नहीं ले जा सकते। जैसे ही आप उससे ऊपर ले जाएंगे आपको लगेगा कि यार इंजन पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो स्ट्रेस ये इंजन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। टर्निंग रेडियस अगेन बता देता हूं, यू टर्न ले रहा हूं तो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टर्निंग रेडियस आपको मिल जाता है। जितनी ये स्कूटर दिखने में बड़ी है आपको लगेगा कि यार इसको मोड़ना चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पार्क करना मुश्किल हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। यू टर्न आसानी से ले सकते हैं, उसके साथ ही पार्क आप आसानी से कर सकते हैं। कर्व वेट आपको 126 kg का इसका मिल जाता है विद ऑयल, विद इंजन ऑयल और फुल पेट्रोल के साथ 126 kg ये वे करती है, जो कि दूसरे स्कूटर से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये 150 cc स्कूटर है, इतनी बड़ी है, तो वेट जो है इसका थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाता है। उसके साथ ही ये जो इसका हाई वेट है, ये इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज इसमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ही शानदार मिलती है, लाजवाब मिलती है। मतलब इस स्कूटर सेगमेंट में मैंने इतनी जोरदार स्टेबिलिटी किसी स्कूटर में नहीं देखी, कि ऐसे खराब रोड पर भी स्कूटर जो है वो बेहद स्टेबल और प्लांटेड चल रही है रोड पर, क्योंकि एक तो इसमें टायर बहुत चौड़े मिल जाते हैं, 140 सेक्शन का रेयर टायर है, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है, लिटरली आर यू सीरियस, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर दे दिया है। तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर आता है KTM's में, इतना फैट टायर आपको देके रखा है, तो उस वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी ओवरऑल गाड़ी की बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अगर ऐसी ग्रेवल पर आप चला रहे हैं और कहीं व्हील स्पिन आ जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपकी सेफ्टी के लिए इसमें मिल जाता है। चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के हम देखते हैं कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी मिल जाती है। तो देखिए आप, एकदम सॉलिड चल रही है स्कूटर रोड पर, एकदम प्लांटेड, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। हैंडलिंग जो है वो इसकी ठीक ठाक सी मिलती है, हैंडलिंग इसलिए बोल रहा हूँ ठीक ठाक सी, एक तो मोटे टायर हैं तो लेन चेंजिंग बहुत आसान नहीं है, कि आप सोचें जैसे कि स्कूटर्स की मिलती है ना एक्सेस, अगर आप चलाएंगे या कोई दूसरी स्कूटर चलाएंगे उसमें एकदम लेन चेंज कर लें आप, तो ऐसे नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सो 110 किलो की स्कूटर नहीं है ये, 126 किलो की। उसके बाद ही जो फ्रंट एंड है व्हीकल का, हैंडल बार है, वो आपको थोड़ा सा टाइट सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा आप एक हैवी स्कूटर चला रहे हैं, भारी भरकम स्कूटर चला रहे हैं। तो अगर आप अपने माइंड में ये बनाकर ले रहे हैं कि ये एक बहुत हल्की स्कूटर है, आसानी से हैंडल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपको हैंडलिंग अच्छी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उतनी शार्प और रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग इसमें नहीं मिलेगी। माइलेज की अगर हम इसमें बात कर लें तो माइलेज आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 40 kmpl तक का, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं चलाते हैं, जिस तरीके से फुल थ्रॉटल में दे रहा था ऐसे देंगे, तो माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें CVT ट्रांसमिशन मिलता है, तो जितनी ज़्यादा हायर रेव्स पर आप जाएंगे उतना ज़्यादा माइलेज आपका ड्रॉप होता रहेगा। बाकी टायर प्रेशर ये सारी चीज़ें अच्छी मेंटेन करके रखिए, गाड़ी अच्छी मेंटेन करके रखिए, तो माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं हम कंफर्ट की, कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी फिलहाल स्कूटर में। कंफर्ट में राइडिंग पोस्चर आपको मैं बता चुका हूँ, राइडिंग पोस्चर आपको इसमें काफ़ी अपराइट मिलता है, कोई स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर नहीं है, हैंडल बार जो है वो नैरो डाउन है, अंदर की तरफ है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है कि आपका चेस्ट ओपन करके आप चलाएं, ठीक है। तो आपको हैंडल बार से कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल जाता है कि थोड़ा सा आपको लेवरेज कम मिलता है, क्योंकि हैंडल बार की विड्थ कम है, और उसके साथ ही जो अपर बॉडी पॉस्चर है वो आपको बिल्कुल अपराइट बैठता है, लोअर बॉडी पॉस्चर भी काफी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको सीट में काफी अच्छा मिलता है अगर आप सीट में पीछे खिसक के बैठ जाते हैं तो। लेकिन लोअर बॉडी पॉस्चर में अगर आप देखेंगे तो आपके पैर रखने की ज्यादा जगह नहीं है, तो जैसे कि बर्गमैन या किसी दूसरी स्कूटर में ऐसे आगे रखने की जगह मिल जाती है, वैसी जगह इसमें नहीं मिलती है आपको, एक चीज तो ये हो गई। तो राइडिंग पॉस्चर इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल, अच्छी है ओवरऑल राइडिंग पॉस्चर, अपर बॉडी का तो स्पेशली बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। सीट कुशन इज वेरी गुड, सीट कुशन पे आपको बैठने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, द पैडिंग इज रियली नाइस, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम हियर इज द सस्पेंशन सेटअप, सस्पेंशन सेटअप इसका पहले भी मैंने आपको बोला था, जब ये बिल्कुल नई नई आई थी तब रिव्यू कर रहा था, मैं पहली बार बैठा था इतनी स्टिफ स्कूटर पर, तो मैंने बोला था यार बहुत ज्यादा स्टिफ है इसका रेयर सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, उसमें प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो सस्पेंशन इज ऑन अ स्टिफर साइड, इज ऑन अ फर्म साइड, है ना, तो सस्पेंशन आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि स्टिफ साइड पर है। जैसे कि आप देखिए एक एक बम्प आपको महसूस होगा स्पेशली रेयर सस्पेंशन से अगर आप सिंगल चला रहे हैं, तो अगर आप दो लोग बिठा देते हैं तो थोड़ा सा वो डैम्प हो जाता है, तो उसकी डैम्पिंग बेटर हो जाती है, लेकिन डैम्पिंग इसकी इतनी नाइस इतनी प्रॉपर नहीं है कि आप इसको इंडियन रोड्स पर आसानी से चला सकें, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल स्कूटर। तो ये चीज़ आप माइंड में अपने बनाकर चलें कि इसमें आपको स्टिफ स्प्रिंग्स मिल जाते हैं और शॉकअप्स भी आपको स्टिफ मिलते हैं, और ब्रेकिंग जो है वो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगी गाड़ी की, ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा कंपनी ने दे दिया बट ब्रेकिंग पर फोकस नहीं करा। रेयर ब्रेक को तो आप ये माने कि बिल्कुल ना के बराबर दब रहा है, रेयर ब्रेक में पता नहीं क्यों ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, मे बी इस व्हीकल में ये प्रॉब्लम हो कि ब्रेक लीवर जो है वो बहुत स्पॉन्जी सा इफेक्ट दे रहा है। देखिए आप, तो ब्रेक लीवर जो है वो ठीक ठाक सा वर्क कर रहा है, रेयर ब्रेक इज़
डिसेंट, ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और बेहतर हो सकता था रेयर ब्रेक। फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें तो इनिशियल बाइट लैक्स, इनिशियल बाइट उतनी नहीं है, ईगरनेस नहीं है ब्रेक में, एक वो रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा और बेटर इसमें हो सकती थी। ब्रेकिंग और कंफर्ट और सस्पेंशन सेटअप ओवरऑल, कंफर्ट तो ठीक है, कंफर्ट सीट का कंफर्ट ठीक है, राइडिंग पॉस्चर ठीक है, सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, और उसके साथ ही आपका जो ब्रेकिंग है वो इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें देखिए, आप एक एक बंप मुझे फील हो रहा है रोड पर, एक एक बंप लिटरली वन, एक एक चीज़ मुझे फील हो रही है रोड पे। तो अगर आप ये सोचेंगे स्कूटर को आप ख़राब रोड्स पे चला सकते हैं बहुत आसानी से, तो बिल्कुल भी नहीं है, एक एक बम्प आपको फील होगा। हाँ, बॉडी पैनल्स जो है वो बहुत अच्छे से टाइटली फिटेड हैं, उसमें कोई रैटल महसूस नहीं होगा, जो प्लास्टिक से आवाज़ आती है रैटलिंग की वो आवाज़ आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ सस्पेंशन इज़ ऑन अ फर्म साइड, सस्पेंशन एक एक झटका मुझ तक आ रहा है। सवाल ये उठता है कि 146,000 में खरीदनी कौन सी चाहिए। देखिए सस्पेंशन मालूम है बहुत स्टिफ है, लेकिन मुझे पर्सनली ये स्कूटर बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन पसंद है, और वो रीज़न ये है पसंद होने का, क्यों पसंद है बता देता हूँ। कि एक तो इंजन बहुत अच्छा मिलता है, और मज़ा ये आपको बाइक वाला दे देती है, जो आपको ये थ्रस्ट ऑफर करती है, जो एक्सेलरेशन ऑफर करती है, वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। हाईवे पर अगर आपको ले जाना हो तो ये स्कूटर बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसा लगता है गियर चेंज करने में मज़ा नहीं आता, बार बार आपको गियर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इजीली ये स्कूटर बाय कर सकते हैं। हाईवे पर ये स्कूटर बहुत अच्छी चलेगी आपके लिए। हाँ, ख़राब रोड्स पे देखिए एक एक चीज़ मुझे एक एक चीज़ महसूस हो रही है, तो ख़राब रोड्स पे आप इसको नहीं चला सकते हैं। अब 146,000 में लेना इसको वर्थ इट है या नहीं, तो सीधा जवाब उसका ये है कि 146,000 एक बहुत ज़्यादा प्राइस है, स्पेशली स्कूटर सेगमेंट को अगर कंसीडर करें। एज फार एज स्कूटर सेगमेंट इन इंडियन टू व्हीलर मार्केट इज कंसर्न, ये 146,000 की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सेगमेंट में, ठीक है। तो 146,000 अगर आप किसी से भी बोलेंगे कि एक स्कूटर खरीद के लाएँ, तो वो आपको मालूम है फिर क्या जवाब मिलेगा कि इतने में तो कार आ जाती और इतने में तो सेकंड हैंड ये आ जाती वो आ जाती, तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जो मज़ा आपको आएगा वो आपको ही आएगा। देखिए आप इसमें इजीली कॉर्नरिंग कर सकते हैं, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़, हाँ उसके बारे में बताना भूल गया था, बहुत अच्छी है इसकी, बिकॉज टायर्स आर बेस्ट इन द सेगमेंट, वाइडेस्ट इन द सेगमेंट। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्कूटर है, इंजन बहुत अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, तो कोई नया इंजन नहीं है मार्केट में कि आपको रुकना पड़े कि हमें पता चल जाए इंजन की रिपोर्ट क्या है। इंजन बहुत ही अच्छा है, तो आप R15 में बिकॉज ये इंजन आता है और रिलायबल इंजन है, तो वी हैव ऑल द टेक्निकल डिटेल्स कि इंजन जो है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको खरीदना है एक फन स्कूटर आपको चाहिए है, और ज़्यादा फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करना, बिकॉज पिलियन कंफर्ट इज काइंड ऑफ डिसेंट, पिलियन कंफर्ट बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली लेडी पिलियंस के लिए ठीक ठाक ही रहेगी, क्योंकि अगर कोई हेल्दी लेडी है तो उसका बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फैमिली के साथ ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आगे आप बच्चे को खड़ा नहीं कर सकते यहाँ पर, वो बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी नहीं है आप किसी को बच्चे को आगे खड़ा करें, लेकिन एक जो चीज़ हमारे चली आ रही है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, SR मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।